हम बात करते हैं स्पाइस जेट की। आज के दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 3% तक की गिरावट के साथ इस वक्त स्टॉक जो है हम देख सकते हैं 365.59 पैसे पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद एक जंप आया ऑलमोस्ट 270 तक का और उसी के आसपास स्टॉक सस्टेन करता नज़र आ रहा है। वहाँ से बड़ी सेलिंग बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही, अपने हाई के आसपास ही स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 80 तक का जंप आया था, वहाँ से गिरावट आई, गिरावट के साथ सपोर्ट लेके एक जंप, अगेन गिरावट, तो लो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट से ही बाउंस बैक किया है और अपने हाई के आसपास सस्टेन कर रहा है। जहाँ क्लोजिंग दिया है 64 का लेवल, जिसके आसपास स्टॉक काम कर रहा है, क्लोजिंग भी इसके आसपास आने के चांस बन रहे हैं। अभी मार्केट के क्लोज होने में 5 मिनट और बाकी है, तो स्टॉक 64 के सपोर्ट पर ही क्लोजिंग देता नज़र आ सकता है। तो इमीडिएट सपोर्ट है 64 का लेवल, स्पाइस जेट के लिए ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 60 और मेजर सपोर्ट रहेगा ये जो लो है 55-56 का लेवल, एक आखिरी सपोर्ट मानकर चला जा सकता है। इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में और गिरावट दिखा सकता है, 50 से लेके 48 तक का भी फॉल दिखा सकता है। लेकिन चांस बने हुए अपसाइड के, अप ट्रेंड के, स्टॉक ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। अपने हाई के आसपास ही क्लोजिंग दे गया है, स्टॉक अपने हाई के आसपास क्लोजिंग दे गया है, तो ऐसी सिचुएशन में ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। इमीडिएट टारगेट अगर यहाँ से बात करें तो जहाँ से रिजेक्शन लिया है 68-70 का लेवल, जो कि ब्रेकआउट के हाईली चांस बन रहे, और स्पाइस जेट यहाँ से लंबी उड़ान भी भरता हुआ नज़र आ सकता है, बड़ा अपसाइड भी दिखाता नज़र आ सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस बनते नज़र आ रहे। जिस तरह से चार्ट पैटर्न कह रहा है, देख सकते हैं गिरावट के साथ जंप के साथ अगेन गिरावट आई थी, लेकिन अपने सेम सपोर्ट को सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, ब्रेक डाउन नहीं किया, ब्रेक डाउन कर जाता तो फिर और गिरावट दिखाता। तो 68-70 इमीडिएट टारगेट है, ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट है रेड कैंडल का, आप हाई देख पा रहे होंगे 75 का लेवल, और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मेजर रेजिस्टेंस 80 के लेवल पर फेस करेगा। 80 जहां से इससे पहले गिरावट दिखाई थी, लेकिन ब्रेकआउट के हाईली चांस बन रहे, 80 के आसपास से बड़ी गिरावट नहीं आती तो 80 का लेवल ब्रेकआउट करता स्पाइस जेट नज़र आ सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 90 और इस बाउंस बैक के साथ 98 से लेके 100 तक के भी टारगेट स्पाइस जेट दिखा सकता है। स्पाइस जेट में हमको जल्द ही 100 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।